नमस्ते दोस्तों, टेक एडी सिक्योर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अपडेट आया है फ्रेंड्स, हरको बैंक की तरफ से। इसका जो फुल फॉर्म है, द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। इन्होंने उनका जो 2019 का जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसके पहले फ्रेंड, जो IBPS है उन्होंने 2019 के लिए जो उनका जो PO का रिक्रूटमेंट नोटिस है वो भी रिलीज किया है। उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फ्रेंड्स फॉर्म चालू है, लास्ट जो डेट है 28 अगस्त 2019 है उसका। फ्रेंड्स मैंने जो नोटिफिकेशन है और जो ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं ये वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, ऊपर जो आई लिंक आई है उसमें भी आप ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम अभी देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स। तो फ्रेंड्स, हरको बैंक ने यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, आगे जाके हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, तो ये डेट स्टार्ट होने वाली है 14 अगस्त 2019, तो लास्ट डेट है इसमें 31 अगस्त 2019। देन यहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट फीस है ये भी सेम डेट है, 14 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2019। देन यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट्स, प्रीलिमिनरी एग्जाम फॉर क्लर्क्स, तो ये अक्टूबर 2019 या नवंबर 2019 में रहेगी। देन यहाँ पे लिखा है डेट फॉर मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लर्क्स टू बी अनाउंस लेटर ऑन। तो जो क्लर्क की जो मेन एग्जाम होने वाली, तो इसका जो अनाउंसमेंट है ये बाद में करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वेबसाइट रेफरेंस www.harcobank.org.in, तो ये वेबसाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन सिंगल एग्जामिनेशन फॉर जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इसकी भी जो एग्जाम होने वाली है बाद में अनाउंस करेंगे, तो आप वेबसाइट ये चेक कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 790 वैकेंसीज है क्लर्क के लिए। यहाँ पे आप जो अलग अलग जो सिटीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज दिया, जैसे कि अम्बाला में 44 वैकेंसीज है, गुड़गांव में 26 वैकेंसीज है, रोहतक में 25 वैकेंसीज दिया है। तो ये टोटल यहाँ पे 790 जो क्लरिकल पोस्ट की है वो वैकेंसीज यहाँ पे दिया है। और फ्रेंड्स ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज है, अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट, तो इसकी फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 123 वैकेंसीज है। ये भी आप यहाँ पे सिटी वाइज है, अम्बाला में 9 वैकेंसीज है, सोनीपत में 10 वैकेंसीज है, पानीपत में 7 है, तो टोटल ये 123 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर अकाउंटेंट, तो इसकी 35 वैकेंसीज है, ये आप यहाँ पे सिटी वाइज चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो एडवर्टाइज की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर, इनकी 30 वैकेंसीज है, यहाँ पे आप कास्ट वाइज भी ये चेक कर सकते हैं। देन इसमें हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है फ्रेंड्स क्लरिकल के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है, ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स और कॉमर्स ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपका कोई भी ग्रेजुएट है तो कम से कम आपको यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए, या अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो मिनिमम यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसी के साथ आपको हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज का भी नॉलेज होना जरूरी है। देन इसका जो पे स्केल यहाँ पे दिया है 35,400 से लेके 1,12,000। देन यहाँ पे जो सेकंड पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है बीकॉम BA with economics or math, BSc with math as one of the subject with at least 55% marks in aggregate, BTech with at least 60%. तो ये क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे होना चाहिए, और इसी के साथ हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज का भी नॉलेज होना जरूरी है। इसका जो पे स्केल यहाँ पे है 35,400 से लेकर 1,12,400। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर अकाउंटेंट, इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट 55% मार्क्स इन कॉमर्स और साइंस विद मैथ और BA विद मैथ और इकोनॉमिक्स विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। देन यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क्स इन MCOM और MA विद मैथ और इकोनॉमिक्स, तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है। देन यहाँ पे सेम नॉलेज हिंदी या संस्कृत आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसका जो पे स्केल दिया यहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400। देन यहाँ पे जो लास्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें दिया है एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन साइंस विद मैथ आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स और मैथ कॉमर्स बीटेक, और यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 55% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और यहाँ पे लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। देन यहाँ पे लिखा है 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स और मैथ और कॉमर्स विद CA IIB, या फिर मास्टर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स। तो फ्रेंड्स
असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये आपकी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। देन यहाँ पे हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका जॉब पे इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 है। देन यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो आप देखेंगे तो मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 42 इयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 42 इयर्स आपकी एज होना चाहिए। यहाँ पे कास्ट वाइज एज रिडक्शन दिया है, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम जो फीस का डिटेल से वो देखेंगे। एग्जामिनेशन फी फॉर ईच कैटेगरी एक्सक्लूडिंग GST ₹600 फॉर जनरल कैटेगरी प्लस GST पर एप्लीकेशन। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 600 प्लस जो GST या जो बैंक के चार्जेस है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देन यहाँ पे लिखा है 300 प्लस GST फॉर SC BCA BCB EBPC कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली एंड फॉर फीमेल पर एप्लीकेशन। अगर आप फीमेल कैंडिडेट से या हरियाणा स्टेट्स के तो आपको ये 300 फीस पे करना पड़ेगा। देन फ्रेंड्स ये जो पेमेंट है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी, IFPS कैश क्रेडिट या मोबाइल वॉलेट्स, इसके थ्रू आप ये जो ऑनलाइन पेमेंट है ये कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क जूनियर अकाउंटेंट एंड सीनियर अकाउंटेंट इन विर्प शैल बी एज अंडर। तो इसमें ऑनलाइन आपकी एग्जाम रहेगी, ये 90 मार्क्स की रहेगी। यहाँ पे कुछ वेटेज भी है, जैसे कि 75% वेटेज फॉर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी या अदर रिलेवेंट फील्ड्स। देन 25% वेटेज ऑफ हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, ETC। तो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग ये सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्लर्क जो पोस्ट है उसका प्री एग्जाम का यहाँ पे सिलेबस दिया है। टोटल 3 टेस्ट है, फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, देन रीजनिंग, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो सभी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 30 रहेंगे और जो मार्क्स है वो भी 30 रहेंगे। ये एग्जाम आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से दे सकते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आपको 90 मिनट्स का यहाँ पे रहेगा। देन जो क्लर्क की मेन एग्जाम होने वाली है उसका हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 टेस्ट रहने वाली है। फर्स्ट है रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद एक करंट अफेयर्स, देन यहाँ पे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, बाकी भी यहाँ पे दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है रीजनिंग के लिए 30, जनरल अवेयरनेस के लिए 25, न्यूमेरिकल के लिए 30, इंग्लिश के लिए 25, करंट अफेयर्स के लिए 25, बाकी जो अदर है उसके लिए 45। यहाँ पे आप मार्क्स भी देख सकते हैं। देन ये जो एग्जाम है आप हिंदी या इंग्लिश में से सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 150 मिनट्स है। देन यहाँ पे फ्रेंड्स नोट लिखा है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर इज प्रपोज टू बी ऑन द पैटर्न ऑफ मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एज मेंशन अबव। देयर विल बी नो प्रीलिमिनरी एग्जाम फॉर जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये पोस्ट के लिए फ्रेंड्स एक ही एग्जाम रहेगी जिसका पैटर्न अभी हमने यहाँ पे देखा है। तो ऐसा सिमिलर ये पोस्ट के लिए पैटर्न रहेगा और इसकी जो डेट्स वगैरह बाद में वेबसाइट पे अनाउंस की जाएगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे हम देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो यहाँ पे टोटल 12 एग्जामिनेशन सेंटर्स दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चंडीगढ़, मोहाली, पानीपत, रोहतक। तो आपके अकॉर्डिंग ये एग्जाम के लिए सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं और फ्रेंड्स ये एडवर्टाइजमेंट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी भी आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे वेबसाइट है www.fargobank.org.in, तो हो सकता है कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, तो ये आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।